आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी तरह से घिर चुके पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इमरान खान, जो भारत से अच्छे रिश्ते की वकालत तो करते हैं लेकिन अपना रवैया नहीं बदलते। पाकिस्तान दुनिया के सामने ये दिखाने का प्रयास करता है कि वो बहुत शांतिप्रिय है लेकिन उसकी पोल उसकी हरकतों की वजह से खुल जाती है। पाकिस्तान में मौजूदा भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों के साथ बुरा बर्ताव किया गया है। इस्लामाबाद में अधिकारियों के रहने के लिए जो कैंपस बनाए गए हैं उसमें ना तो गैस कनेक्शन है और ना ही अधिकारियों की इंटरनेट की सुविधा। अपने अधिकारियों के साथ पड़ोसी मुल्क में हो रहे इस बर्ताव पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। बीते गुरुवार को भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों के रहने के लिए नया कैंपस बनाया गया है। इस कैंपस में अधिकारियों को बुनियादी सुविधाएं नहीं दी गई हैं। अधिकारियों के घर में गैस कनेक्शन तक नहीं दिए गए हैं। अधिकारियों के अतिथियों से सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा उच्चायोग के कार्यक्रम के दौरान लाइट काट दी गई थी और कई बार फोन लाइन को भी काट दिया जा रहा है। उच्चायोग के अधिकारियों के साथ पाकिस्तान का बुरा बर्ताव यही नहीं रुका। एक अधिकारी के घर पर तोड़फोड़ भी की गई और उनके घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की गई। इसके साथ ही भारतीय उच्चायोग के वेबसाइट और इंटरनेट को भी ब्लॉक या स्लो कर दिया जा रहा है ताकि वीजा के लिए अप्लाई कर रहे पाकिस्तानियों को दिक्कत हो और वह प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करें। इससे पहले भी पाकिस्तान में भारतीय अधिकारियों के साथ बुरा बर्ताव किए जाने की शिकायत आती रही है। इसी साल के 15 मार्च को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा था कि हम चाहते हैं इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय हाई कमीशन अच्छे से काम करे, हमारे राजनयिकों को वहां प्रताड़ित न किया जाए और वियना कन्वेंशन 1961 के तहत किए गए प्रावधानों का पालन नहीं किया जाए ताकि भारतीय राजनयिक पाकिस्तान में काम कर सके। आतंकवाद के नाम पर पाकिस्तान को हर जगह से सिर्फ फटकार ही मिली है। यहाँ तक कि उसके कंगाली के वक्त भी कई देशों ने ये कहते हुए अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि जब तक आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान कोई ठोस कदम नहीं उठाता तब तक उसकी किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं की जाएगी। हर जगह अपनी कंगाली का रोना रो चुके पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इमरान खान को अमेरिका ने मदद करने से साफ इनकार कर दिया है। IMF को भी पाकिस्तान की मदद न करने की सलाह दे डाली, जिसके बाद से ही इमरान खान पैसों के लिए दर बदर भटक रहे हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। कर्ज में पूरी तरह से डूब चुके पाकिस्तान के पास किसी भी देश से मदद पाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि वो आतंकवाद के मुद्दे पर कोई ठोस कदम उठाएं और अपने रवैये में सुधार करें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।